हाय, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग का स्वागत है। देख सकते हैं ठंडी में जो है ना, हम लोग यहाँ आराम से बैठ के एकदम आग का मजा ले रहे हैं। और देखिए आग में ये दिन किनको किनको याद है ना, बचपन में इसमें आलू डाल के हम लोग इसको खुरच के आलू इसमें डाल के पका के आलू अलुआ ये सब हम लोग खाया करते थे। तुम्हें खाते थे क्या? धान के अलावा, धान का अलावा भी डाल के है ना, फूटा फूटा का खाती थी ना। तो बताइए, और अभी के टाइम पे ठंडी है तो आग बहुत ज्यादा प्यारा है। और आग में हम लोग बैठे हुए नहीं करेगा, बैठने का दूर से नमस्कार। वैसे भी हमको बैठने से जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये धुआं है ना, किधर बिस्तर में यही। हाँ बेटा, अच्छा। अरे वाह, देखिए आज तक खुश का है पता नहीं। तो चलिए आप यहाँ से उठते हैं और यहाँ देख सकते हैं सवेरे सवेरे गाँव का रीति रिवाज है ना। ये सब चीज़ आपको बाजार में डायरेक्ट पैकेट वाला दूध मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं गांव में पापा हमारे खुद यानी दो मतलब भैंस दो रहे हैं। और भाई साहब क्या बोली? चाय पीने जा रही हो? और देख सकते हैं सवेरे सवेरे इन लोगों का खा बेटा खा। देखिए बिस्किट तो कुरकुरे ना जाने क्या सब क्या साथी दोनों खाते लाए कुरकुरे। और देखिए डिंग डांग के बड़ा ये देखिए ना, एक वक्त के लिए खा जाता है की हो। जब तीत लगता है तो ऐसे करता है। और बेटा अकेले खा जाता है गो? ये बच्चा चल जाइए पूछा नहीं, ऐसा भी होता है? हाँ जी साक्षी है। हमारा तो यकीन नहीं होता कि हमारा बेटा इतने जवान हो गया कि यार एक अकेले खा लेता है। और इधर देख सकते हैं किचन, इससे पहले ये सब देखिए क्या नतीजा बना के रखल है यार। ये कब आएंगे मिस्त्री वगैरह गो? मम्मी देखिए मट्टी वगैरह पूरा घर को खून खान के कैसा अजीबो गरीब कैले हैं बताइए। इधर भी छेद है, उधर भी छेद है, पूरा यानी सब सेटअप लगेगा सब कुछ। क्या पूछेंगे मम्मी से? खाने वाला है तो नहीं खाता है? ये खा सकता है, मान सकते हैं। आयुष खा सकता है क्या? आयुष विश्वास से नहीं कर रहे। लेकिन ये कैसे एक पैकेट खा जाएंगे? आदर्श एक पैकेट तुम खा जाएगा रे? खा जाएगा बेटा? अभी मेरा बेटा अभी 10 महीना का है। और यहाँ देख सकते हैं ना, और इसके बाद जो है हम लोग आराम से यहाँ आप चाय पटापट पियेंगे। पापा मम्मी कहाँ है ना? मैं चुमा मांग बाबू, चुमा मांग। अरे बाप, आधा चले आजकल आधा चमत्कार हो गया। हम रो दे बाप रे, कते समझदार हो गया हमारे बेटा बाप रे। और यहाँ सवेरे सवेरे आप सभी को गुड मॉर्निंग के साथ साथ ये चाय, आज बहुत ज्यादा चाय बन रहा है मम्मी, क्या बात है? एक बार बन गया, अच्छा लोग पी लिया। अच्छा ये दूसरा बार है, लेकिन आप इतना ना मतलब खतरनाक चाय बना देते हैं ना, खाली दूध का चाय रहता का साक्षी? तो पता ही है आपको भी का रुकता रहा है, तुमको तो क्या पता नहीं है। खाली दूध का चाय बना देते हैं, नहीं भी खाने वाला सब नहीं हो पीने वाला सब चाय पी लेते हैं। इधर गिरेगा दूध, इधर हटो। अरे ये दूध है देख सकते हैं, और एक भैंस पापा जी दूह ही रहे हैं, और उसके बाद अभी दूध गाय भी दूना है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए, आगे चाय पहले बन जाता है फिर उसके बाद हम लोग चाय पीने का काम करेंगे। बहुत बड़ी खबर यहाँ देख सकते हैं, ये गिलास में अभी ये लोग चाय पियेंगे है ना। इस गिलास ये गिलास छोटा हो गया इन लोगों के लिए है ना। और साक्षी भी निकाल रही है चाय उसी गिलास में, ये भी अब पीना स्टार्ट कर दिए। कर तरह अच्छा तुम सबको चाय का आदत लगा देती है ना जी। हाँ चाय ज्यादा मत पीना साक्षी, भूख प्यास सब खत्म हो जाएगा, शरीर हो जाएगा खटरी नियर एक जैसा जो बात है। तो चलिए रुक तरह वगैरह चाय पी रहे हैं। ए आदर्श, ये देखिए कहाँ जा रहा आदर्श, कहाँ रे? वह पूरा शरीर गंदा हो जाएगा इसका यार, चलो इधर। सवेरे सवेरे हम यहाँ थोड़ा सा किचन के तरफ घुस गए। क्या बन रहा है भाभी? अजीब हो गरीब हो, मछली पत्ता बता। ओ मछली क्या बन रहा है? मछली ओ मछली बनेगा ना, मछली कहाँ है कि झूठ बोल रहे हैं हमसे? मजाक मजाक कहाँ है? दिखा देते हैं, हो सकता है आप लोग भी कहें भाभी के बात पे झूठा है आरोप, और हम भी भाई रियल में मछली है ना। उधर भी दूध पड़ा हुआ है, देखिए उस घर में भी दूध था यहाँ भी, और देखिए अभी मछली भी बन रहा है अभी तो, आज मछली भी चलेगा। और गोभी वगैरह देखिए वैसे पड़ा रहता है, क्या भाभी ऐसे काम होगा जी? इतना चीज बर्बाद करते हैं, गोभी वगैरह सूख रहा है बताइए। रात में आग लगेगा बढ़िया से। बस बस बस
इधर बना रही है और इधर जो है बात है, इधर बच्चा हुआ रखा। ए क्या हुआ, क्या हो गया? खाओ खाओ, पहले खाओ खाओ खा खा खा, बस 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 खाओ, पटाख से खा लो। हाँ, मैं उधर से घूम फिर के आई है और देखिए यहाँ आराम से, देखिए आराम से बैठी हुई है, मतलब खड़ी है। कार पिता जी ठंडी का आनंद ले रहे हैं का? ये बताइए है, आग में बैठ जाए, हुब्बा कैसे होगा आपका? दे आग में बैठे मर मर जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा पिता जी। भगवान करे कि हम मर जाए और हम पर दहेज प्रथा का केस लगाने का। अरे ऐसा नहीं होगा बाबू, समझी, गरीब दुखिया के मत मारिए कहिए। जब हम कुछ देवे नहीं किए तो काहे लगाएंगे केस, जब देवे नहीं किए तो कौन सा दी थी मालती चौहान बताओ ना। उनका सोच, उनका बाप माँ के सोच, सबका सोचे के जैसा थोड़ा ना होता है। जब एक के जैसा सोच होगा तो दुनिया यही रहता है। चलो वाह, थैंक यू, थैंक यू, समझे? तो मोरे के नाम मत ले बाबू, जो इसको वो धोखा दे रहा है उसको वो धोखा दे रहा है, आप हमको धोखा दे रहे हैं, ये थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना होता। तो ऐसे बात मत बोला करो तरह की, तो मेरा बात जानते नहीं बोलते हैं, लेकिन सीधा कहां सीधा फोकस हो जाता है तब। चलिए ठीक है, बाय बाय आप लोगों से, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्या साक्षी, बाय बाय करो, टाटा।